कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट। विजिट का अभी मकसद है जो होता है ये आके यहाँ लोगों से मिलना, बातचीत करना, देखना कि कैसे कैसे क्या कैसे गुजर रहा है कश्मीर। फिर से बोलो। जी, आना जाना जो रहता है, जैसे अपने घर आते जाते रहते हैं, अपने दोस्तों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, देखना कैसा है। अगर हम गलत नहीं है तो दिस इज योर सेकंड विजिट सर। नहीं, लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद तो मैं नहीं आ पाया जी। उससे पहले तो कई दफ़ा आए थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो नहीं आ पाया। मैं ज़्यादातर लखनऊ में अपने घर में था, मेरे दोस्त थे वो अपने अपने घरों में थे, जैसे आपको पता है। अब जाके हालात थोड़े सुधरे हैं तो बाहर निकलने का मौका मिला। अभी से और जगह पे स्ट्राइकिंग होने लगा तो शायद फिर निकल नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये वक्त लेते हुए हम आए यहाँ। सर, अगर देखा जाए क्या स्पेसिफिक रीज़न है जो भी, जो अगर देखा जाए इस देश में जो हालात अभी बने हुए हैं, कहीं से मतलब कोई समाचार अच्छी नहीं आ रही है, चाहे किसानों के हवाले से हो, कश्मीर के हवाले से अगर पर्टिकुलरली हम बात करेंगे, तो यहाँ पर 370 रखने के बाद जो है इकोनॉमी बिल्कुल डिक्लाइन है। बाकी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी सफ़र कर रही है। ऑल दैट यू नो, ऑल दैट कॉर्नर्स आर सफरिंग इन कश्मीर। तो हाउ डू यू टेक ऑन दिस सर? नहीं, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे किस्से हैं और बताया जाता है। सरकार की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स हैं, लोगों की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से। तो फिर इसका बेहतर तरीका है कि आए खुद देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।